Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Padhle Tenthies and I'm back again with another lecture। और आज हम देखने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही फुद्दू सा चैप्टर है और तुमको अगर थोड़ा बहुत ही मार्केट का नॉलेज है कि भाई बिजनेस कैसे काम करता है तो ये चीज़ तुम बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। मैं तुमको इस चैप्टर को एक चैप्टर की तरह पढ़ाने के बजाय नॉर्मल जनरल ज्ञान की तरफ बताऊंगा, जिसमें जनरली सारे चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ देखने वाले। उसके पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लो। हमने अपना टारगेट को अपडेट कर दिया कि हमने फाइनली 1,75,000 का सब्सक्राइबर टारगेट हिट कर लिया है। तो 2 लाख टारगेट हमारा लेटेस्ट टारगेट है। तो अब मेक श्योर कि अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को शेयर तो करा ही करो, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि हमको ये टारगेट इस मंथ के अंदर अंदर अचीव करने का प्लान करना है। तो मेक श्योर कि तुम जितना हो सके उतनी भरमार में सब्सक्राइब करो। और अभी के अभी अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉज करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम लोग चैनल के ऊपर नए हो तो तुमको पता नहीं कि इस चैनल की वाइब क्या है। इस चैनल की वाइब यही है कि बिल्कुल मस्ती मजाक होता है, फुल टू मस्तीबाजी होती है और उसमें तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है। तो दिस इज नॉट लाइक एवरी अदर लेक्चर चैनल दैट यू सी ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ग्लोबलाइजेशन, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, ग्लोबल का मतलब समझ में आता है जहां पर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड एज अ होल की बात कर रहे हैं। ग्लोब क्या होता है? जो हमारी धरती होती है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो पूरा का पूरा ग्लोब है, मतलब पूरी की पूरी एक तरीके से ग्लोबल समझ में आता है। कोई भी चीज ग्लोबल है। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो एक पूरे एक वर्ल्ड वाइड हो रही है, मतलब पूरे अर्थ की जितनी भी कंट्रीज हैं सबके सबसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अभी हमको ग्लोबलाइजेशन, चूंकि हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं मार्केट, इकोनॉमिक, पैसे, इन सब से रिलेट करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पैसे की भाषा सबको सबसे अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज करने वाले हैं एमएनसी के बारे में। तुम सुनते होगे कि अरे बेटा वो शर्मा जी के लड़के की जॉब लग गई एमएनसी के अंदर, वो गुप्ता जी के बेटे की जॉब लग गई एमएनसी के अंदर। तो एमएनसी होता क्या है? एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल, नेशनल मतलब नेशन मतलब एक कंट्री, मल्टीनेशनल मतलब कि मल्टीपल कंट्रीज में जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली मतलब यह है कि जो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो अभी समझ में आएगा कि गुप्ता जी की जॉब अगर एमएनसी में लगी है तो एमएनसी का मतलब क्या हुआ, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इस जो पूरे सिस्टम को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब कि या तो लेन देन के कारण या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब तुम देखोगे कि इंडिया के स्टार्टअप्स में बाहर की कंपनीज पैसा लगाती हैं या फिर इंडिया के अंदर कुछ लैंड वगैरह खरीद लिया किसी कंपनी में। तो कोई भी बाहर की कंट्री जब इंडिया के अंदर किसी भी रूप में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है कि इससे एक कंट्री दूसरी कंट्री से लिंक हो रही है। भाई मान लो आज अगर मेरा कोई स्टार्टअप है, उसके अंदर मान लो यूएस की कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, या जापान की कोई करना चाहती है, चाइना की कोई करना चाहती है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि वो यूएस की कंपनी, जो एक यूएस की कंपनी है, वो एक इंडिया बेस्ड स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो एट दी एंड यूएस और इंडिया के बीच में कनेक्शन हो रहा है मेरे थ्रू। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, है ना भाई। मैं चूंकि इंडस्ट्री में मैं एक्चुअली ये जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो ये मैं करता हूँ ऐसे, मैंने इसके बारे में बहुत समझा है, बहुत पढ़ा है और कहीं ना कहीं मेरा काम भी वैसे ही कुछ है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में आती है। तो मैं तुम लोगों को वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मुझसे सोशल पढ़ने का एक सबसे बड़ा फंडा यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमको समझ में आ जाएगा, दिल में बैठ जाएगा। पर अगर तुमको दिमाग में बैठाना है तो तुमको हर एक स्लाइड जब मैं चेंज करूँ उसके पहले पॉज करके पूरी की पूरी रीडिंग लगानी है, ताकि तुमको बुकिश तरीके से पता रहे कि तुमको एग्जाम में क्या लिखना है। अब तुम एग्जाम में ये नहीं लिख सकते कि गुप्ता जी की एमएनसी में जॉब लग गई तो एमएनसी वो कंपनी, तुमको लिखना ही है जो यहाँ लिखा है, पर तुमको समझ में जरूर आ जाएगा। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, देखो जब मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब करीब करीब 1950, 60, 70, मतलब जब देश नया नया आजाद हुआ था तब के आसपास प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। मतलब इंडिया के अंदर ही हमारा मेनली जो, मतलब एक वर्ल्ड के रूप में बात करो, इंडिया की बात ना भी करो तो भी जनरली क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्शन था वो कंट्री की कंट्री में हो रहा था। ठीक है, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम, मतलब ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे इंडिया के अंदर स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीजें बहुत टाइम से एक्सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश गुड्स। मतलब हम कॉटन का पौधा उगा सकते हैं पर हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उससे कपड़े बना पाए। तो हम क्या करते थे कि कॉटन का पौधा बना के, या जो कॉटन उगा के, बना के नहीं उगा के, उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। फिर वहां से हमको फिनिश गुड्स यानी कि टी शर्ट, शर्ट वगैरह वहां से मिल जाते थे। ठीक है, तो ऐसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेलते थे पहले। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमर्ज द सीन। एमएनसीज के आने के पहले का ऐसा खेलता। अब एमएनसीज के आने के बाद क्या हो? एमएनसी होती क्या है? MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. या तो वो own कर रही है या फिर control कर रही है. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, सैमसंग हो गई, तो सैमसंग अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन हैंडल कर रही है, ठीक है, या सर्विसेज हैंडल कर रही है. एप्पल हो गई, ठीक है, या दूसरी कोई कंपनीज भी हो गई. ये सारी कंपनीज क्या है, ये सब MNCs है. Amazon है, तो Amazon तुमको पता है भाई, Amazon का जो वेयर हाउस है वो तुम्हारे शहर के कहीं छोटे से कोने इलाके में भी होगा, और Amazon बहुत बड़ी कंपनी है तो Amazon का बहुत बड़ा ऑफिस भी है. तो Amazon इस तरीके से दुनिया भर में फैला हुआ है. तो वो क्या हो गया, एक MNC हो गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, ठीक है. MNC सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शंस इन रीजंस वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. तो MNCs अलग अलग कंट्रीज में क्यों जाते भाई, एप्पल को क्या जरूरत पड़ी कि किसी और कंट्री में जाके अपना वो करे, वो यूएस में कर लेता ना अपना काम, तो दूसरी कंट्री में इसमें इसलिए गया ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बने, मतलब उसको जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम पड़े, ठीक है. वो कैसे पढ़ती है मैं तुमको आगे चल के बताऊंगा. दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली बात है भाई, आज जो मैं अपना आईफोन है, लेट्स से कि मैं अपने आईफोन को अगर मैं 30,000 में बना पा रहा हूं और मैं उसको 1 लाख का बेच रहा हूं, तो मैं 70,000 का प्रॉफिट कर रहा हूं. मान लो कि किसी और कंट्री में अगर बनाऊं तो वहां पर मैं 25,000 में बना पा रहा हूं, तो अब मैं प्रॉफिट जो है 75,000 कर रहा हूं, ठीक है. तो ऐसे कर करके मुझे अपनी कॉस्ट को कम करते जाना ताकि अपना प्रॉफिट मैं मैक्सिमाइज करते जाऊं. तो इसलिए MNCs अलग अलग कंट्रीज में काम करती हैं. MNCs अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कैसे करती है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक फोन लगाया कि हाँ कहाँ से बोल रहे हो, यूएस से बोल रहे हो, एक काम करो मेरी एक कंपनी है, अपना प्रोडक्ट मेरा जो प्रोडक्शन है वहां पे भी लगा दो एक, ठीक है. ऐसा तो काम हो नहीं रहा है, ठीक है. हमारे चाचा ताऊ तो बैठे नहीं सब जगह जो हमारे लिए काम करते. तो MNC काम कैसे करती है, मतलब अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कैसे करती है अक्रॉस डिफरेंट नेशंस. अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक सिनेरियो देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है. तो बेसिकली एक बहुत बड़ी MNC है, मान लो कि कोई सी भी XYZ नाम रख दो, या फिर प्रणय कॉर्पोरेशन नाम रख दो. प्रणय कॉर्पोरेशन $1 बिलियन कंपनी है मान लो, ठीक है, काश एक दिन हो जाए बट स्टिल फिर हम पार्टी करेंगे. तो ये क्या कर रही है, ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है. तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी जो डिजाइन और रिसर्च है ये यूएस के अंदर कर रही है, मतलब डिजाइनिंग और रिसर्च, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन करना और प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना कि इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो उसके यूएस के इंजीनियर्स कर रहे हैं. अब जो कंपोनेंट्स उसको लग रहे हैं वो सारे चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. मान लो उसको कुछ अलग अलग रेडिएटर्स लग रहे हैं, कंपोनेंट्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. अब ये जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हो, मतलब यूएस में डिजाइन हुआ, वो इन्फॉर्मेशन हमने चाइना वाले ऑफिस में दी, चाइना के अंदर वो मैन्युफैक्चर हुआ, अब चाइना के अंदर अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो गए. अब ये सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग इंडिविजुअली किसी दूसरी कंट्री में शिप हो गए, लेट्स से मेक्सिको हो गया या ईस्टर्न यूरोप हो गया, वियतनाम हो गया, इस टाइप की कंट्रीज में चले गए. वहां पर क्या हो रहा है कि सारे प्रोडक्ट्स असेंबल हुए, है ना, असेंबल मतलब कि सबको जोड़ा, ठीक है. फिर उसके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसको हम पूरी दुनिया में बेच रहे हैं. जैसे कि एप्पल की बात करो तो एप्पल जो है तुमको जब भी तुम्हारे पास में अगर कभी भी कोई एप्पल का, जैसे कि मैं अपनी वॉच के पीछे देखता हूँ अगर लिखा होगा तो, वैसे इसमें लिखा रहता जनरली कि ठीक है, इसमें नहीं लिखा यार. बाकी जो आईफोन वगैरह होता है, मतलब सारी चीज़ अभी यूज़ में, आईपैड भी यूज़ में, मेरा फ़ोन भी रिकॉर्ड कर रहा है तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, बट एप्पल के पीछे हमेशा लिखा रहता है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. तो एप्पल सिर्फ अपनी डिजाइनिंग कैलिफोर्निया में करती है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करती है और असेंबली कहीं और करती है. तो बेसिकली जो आईफोन है, लेट्स से कि कोई भी आईफोन है, तो वो आईफोन का कैमरा कहीं और बना होगा, उसका प्रोसेसर कहीं और बना होगा, उसका डिस्प्ले कहीं और बना, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा होता है कि आईफोन्स के अंदर मेनली मेजर पार्ट ऑफ जो आईफोन्स अभी हैं मार्केट में उसका डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, ठीक है. तो अब एप्पल सोचता है कि यार हम क्यों डिस्प्ले बनाए, जब सैमसंग अच्छा काम कर रहा था हम सैमसंग से खरीद लेंगे. तो ये आपस में से दोस्ती कर लेते हैं, भले राइवल हो पर दोस्ती कर लेते, तो ये तो खैर अलग बात होगी. बट बेसिकली मैं तुम बता रहा हूँ कि जो आईफोन है तुम्हारे पास में, उसका या कोई भी फोन फॉर दैट मैटर, उसका कैमरा किसी और कंट्री में बन रहा है, प्रोसेसर किसी और कंट्री में बन रहा है, मदरबोर्ड किसी और कंट्री में बन रहा है, उसकी स्टोरेज कहीं और बन रही है, ये सारी चीजें कहीं और बन रही है. अब क्या हुआ, ये सारी चीजें अलग अलग जगह से इंपोर्ट होकर इंडिया में आ गई और हमने असेंबल इंडिया के अंदर कर दिया, है ना, और हमने थप्पा लगा दिया मेड इन इंडिया. तो एक्चुअली मेड इन इंडिया नहीं होता, एक्चुअली होता है असेंबल्ड इन इंडिया. प्रोडक्ट्स बनते बाहर से पर हम उसको असेंबल इंडिया में करते हैं. अब तुम लोगे भैया इतना खेल क्यों करना, जहां से बना रहा वहीं पे कर दो, ठीक है. तो इतना खेल इसलिए खेलना होता है, मैं तुमको एक सिनेरियो बताता हूं. देखो, हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इतना टैक्स लगाइए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उतना टैक्स लगाइए, है ना. तो अब क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज में ऐसा हो सकता है कि एक जो फ़ोन है, जो बिल्ट कंप्लीटली बिल्ट फ़ोन है, उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगा रही है, पर वो छोटे छोटे मॉड्यूल जैसे कैमरा हो गया, प्रोसेसर हो गया, इन पे कम टैक्स लगा रही है. तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ कम टैक्स लग रहा है, जहाँ जहाँ सस्ते में हमारा काम हो रहा है, हम वहाँ से चीज़ें बना लेते हैं और असेंबली ऐसी जगह करते हैं जहां पर सबसे कम उस पूरे प्रोडक्ट पर टैक्स लगे. मतलब फोन एक अलग प्रोडक्ट हो गया और कैमरा एक अलग प्रोडक्ट हो गया. भले ही फोन के अंदर कैमरा हमने यूज किया पर कैमरा हो तो एक अलग चीज हो गई ना, ठीक है, प्रोसेसर एक अलग चीज हो गई, ठीक है. तो हम कैमरा, प्रोसेसर, ये सब ऐसी कंट्रीज बनाए जहां पर वो चीज सस्ती हो और इनको असेंबल ऐसी जगह करें जहां पर हमारा फोन सस्ता हो, ठीक है. ये सस्ते महंगे की बात हम इसलिए कर रहे हैं, तुमको आगे चल के समझ में आएगा, बट ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम टैक्स हमको देना पड़े, मतलब जो भी कंपनी उसको कम से कम टैक्स लगे, ठीक है. जितना कम टैक्स लगेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है. चलो बहुत ही बढ़िया. फिर क्या हुआ कि हमने फिनिश प्रोडक्ट्स, अब देखो ये हमने पूरी दुनिया में बेच दिया और जो कंपनी का कस्टमर केयर है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। तो मतलब तुम देख सकते हो कि कैसे एक ही कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, मैक्सिको और पूरी दुनिया और इंडिया, इन 4-5 जगहों को इकट्ठा कनेक्ट कर दिया। तो ये तो बहुत ही सही चीज है, ठीक है। इन अबाउट एग्जांपल, एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट आल्सो इट इज सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसकी जो गुड्स और सर्विसेज है वो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ना सिर्फ वो बेच पूरी दुनिया भर में रहे हैं बट प्रोडक्शन भी उनका दुनिया भर में हो रहा है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली। इसीलिए स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। मतलब कि इसका एडवांटेजेस जो है वो एमएनसी के लिए बहुत तगड़े होते हैं, इसलिए वो ऐसा खेल खेलते हैं। वरना एप्पल पागल तो है नहीं कि वो अपना प्रोडक्शन कहीं और कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना तामझाम क्यों करेगा? इतना तामझाम इसलिए कर रहा है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। सिलेक्शन ऑफ कंट्री, अब मैं कैसे चूज करूँ कि मुझे अपना प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में करना है? तो मैं ऐसे चूज करूंगा जहां पर जो मेरा प्रोडक्शन, जहां पर वो जो मेरे मार्केट्स हैं उनके पास में हो। पता चला मैं दुनिया के एक कोने में चले गया, मान लो नॉर्थ पोल पे मैंने फैक्ट्री सेटअप कर ली, अब वहां से यहां तक आने में इतना टाइम लग जाता है, इतना खर्चा लग जाएगा, तो वहां तो करने में कोई मतलब नहीं। तो जहां पर जो मार्केट्स है, जो मेरा टारगेट मार्केट है वो पास में हो, ठीक है। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहां पर जो लेबर है जिनसे मुझे काम करवाना है वो कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो। जहां पर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, रोडवेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सारी चीजें जहां पर अवेलेबल हो। इन एडिशन एमएनसीज मैन ऑल्सो लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। मतलब ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा रिलैक्स्ड हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कंपनी ऐसी जगह रख दूं जहां पर मुझे हर दूसरे दिन किसी सरकारी ऑफिसर को चक्कर लगाना पड़े। मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं वहां जाके लगाऊंगा सेटअप जहां पर सबसे कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो और मुझे आसानी से अपना काम करने की परमिशन मिल जाए, ठीक है। अब आते हैं भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। द मनी दैट इज स्पेंड बाय कंपनी टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई भी, जैसे कि मान लो कि अभी किसी का स्टील का बिजनेस है ना, कोई मान लो कि या किसी का पंप का बिजनेस है, तो उसको पंप को बनाने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ी, तो मशीन एक इन्वेस्टमेंट हो गई। लैंड की जरूरत पड़ी, मतलब फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक लैंड की जरूरत पड़ी, तो वो क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। मशीन्स, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट एमएनसी के द्वारा किया जाता है, मतलब कोई एमएनसी, जैसे मान लो अमेजॉन इंडिया के अंदर कुछ इन्वेस्ट करे, या सैमसंग एक अपना ऑफिस सेटअप करें इंडिया के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी बाहर की है पर इन्वेस्ट इंडिया के अंदर कर रही है, तो वो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। तो सैमसंग अपना ऑफिस अगर इंडिया के अंदर सेटअप करा, तो सैमसंग इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसे ही समाज सेवा में कर दे। सैमसंग इसलिए कर रहा है ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, बहुत बढ़िया, या उसको ग्रोथ मिले, उसकी कंपनी बड़ी हो। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम अदर लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। कई बार क्या होता है कि एमएनसी जो है फुल फ्लेजेड यहाँ पे आके प्रोड्यूस करने के बजाय जो यहाँ के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में टाइप कर लेती है। जैसे मान लो मेरी कोई बैग की कंपनी है ना, एक बैग की बहुत बड़ी एमएनसी है मेरी, और अगर मान लो मुझे घुसना है जापान के अंदर, अब जापान के अंदर मैं जाऊँ, वहाँ पर अपना मार्केट एस्टेब्लिश करूँ, अपना इतना दिमाग लगाऊँ, अपने रिसोर्सेज लगाऊँ, उसके बजाय मैं क्या करूँगा कि जो जापान में ऑलरेडी एक बैग मैन्युफैक्चरर होगा जो कि बहुत नामी होगा, उसके साथ मैं कोलैबोरेट कर लूंगा और उसको बोल दूंगा कि हम अलग अलग कुछ तरीके से शेयर कर लेते हैं अपना प्रॉफिट, और इस टाइप से हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम भी ग्रो हो, तुम भी ग्रो हो, ठीक है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, ठीक है। चलो मतलब दो तरफा एक तरीके से हम डील करना चाहते हैं जहां पर जो डील ले रहा है, जो छोटा प्रोड्यूसर है उसका भी प्रॉफिट हो और जो बड़ी एमएनसी है उसका भी प्रॉफिट हो। तो पहला क्या है, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। मतलब मान लो कि मैं जिस छोटे बैग वाले को अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक काम कर, तुझे अभी दिन के 100 ऑर्डर्स मिलते हैं ना, मैं दिन के तुझे 10,000 ऑर्डर्स दूंगा, उसके लिए तुझे क्या चाहिए, मशीन चाहिए, ये ले मशीन रख, काम तू ही कर, क्योंकि तुझे काम करते आता है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तुझे जापान के अंदर मार्केट समझ में आता है तो तू जापान में काम कर, तुझे जो चीजों की जरूरत है वो मैं देता हूं, तुझे मशीन लगानी है ले ले मशीन। और तेरा क्या फायदा होगा इसमें, तेरा ये फायदा होगा कि तू जो दिन के 100 या 1,000 बैग बना रहा है, आज तू मेरे से ऑर्डर लेने के बाद में 10,000 या 1,00,000 बैग बनाएगा रोज, तो ये तेरा फायदा हो रहा है, या महीने में, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। मतलब कि मैं तुझे सिखाऊंगा भी, ठीक है, मैं तुझे ये भी सिखाऊंगा कि इस बैग को तू और अच्छी तरीके से और अच्छी क्वालिटी में कैसे बना सकता है, काम तू ही कर, मैं तुझे बस सिखा रहा हूं, रिसोर्सेज दे रहा हूं, पर मेरे नाम से बेच, ठीक है, या वो जो भी डील होती है उनके उस हिसाब से बेच, ठीक है, ताकि दोनों का प्रॉफिट हो। मतलब मैं भी तुझे ऑर्डर दूं तो जो तू सेल कर रहा है उसका कई कुछ परसेंट मेरे पास भी आए, और तेरे पास भी जो ऑर्डर पहले 150 की रेंज में आ रहे थे अब 1,000 ऑर्डर्स आए, 2,000 ऑर्डर्स आए दिन के, तो वो चीज तुझे मेरे साथ कोलैबोरेट करने में मिलेगी। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट्स इज टू बाय अप लोकल कंपनीज। तो देखो ये तो एक रूट हो गया कि या तो मैं किसी के साथ टाई अप कर लूं, जैसे कि जॉइंटली किसी कंपनी के साथ, जैसे कि मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी क्या, मारुति इंडियन ब्रांड थी, सुजुकी बाहर की ब्रांड थी, तो मारुति और सुजुकी ने कोलैबोरेट किया तो मारुति सुजुकी बन गया। हीरो और होंडा, ठीक है, तो हीरो होंडा ने कोलैबोरेट किया तो हीरो होंडा बन गया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार तुमने देखा होगा तो वो हो गया, तो ऐसे करके तुमको देखने को मिल जाती कंपनीज, ठीक है। पर एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम जैसे मान लो मुझे भी किसी फॉरेन की कंपनी को इंडिया के अंदर आना है और किसी भी स्पेस में घुसना है। किसी भी स्पेस का मतलब जैसे कि लेट से कि फूड में घुसना है या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, एक वो सोचेगा कि अरे काम करता हूँ पूरी कंपनी खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब इनके पास पैसा तो बहुत है भाई। देखो क्या होता है कि मान लो कि मैं एक छोटा सा बैग मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे लिए 1-2-3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। पर जो एमएनसी है, जो कि खुद कंपनी 50,000 करोड़ की है, 40,000 करोड़ के लिए, उसके लिए 2-3 करोड़ कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो 100-200 रुपए की तरह उसके लिए, तो 2-3 करोड़ मुझे फेंकेगा और बोलेगा कि ला तेरी कंपनी मुझे दे दे, और मैं दे दूंगा क्योंकि मेरा भी तो फायदा ना, मेरे लिए तो 2-3 करोड़ बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं 2-3 करोड़ में कंपनी उसको बेच दूंगा और फिर वो मुझे और मेरी जो बाकी की टीम काम करी थी उसके साथ में काम करके अपना जो धंधा है वो धीरे धीरे करके चला लेगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया काम है क्योंकि उसके लिए 2-3 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन इजीली डू सो। ठीक है, चलो अब एग्जांपल, जैसे कारगिल फूड्स है, एक बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है, तो उसने एक इंडियन कंपनी थी पारख फूड्स करके, उसको खरीद डाला, पूरा का पूरी कंपनी खरीद ली। ठीक है, तो पारख फूड की क्योंकि लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था, तो क्यों खरीदेगी कोई कंपनी, वो तब खरीदेगी जब तुम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो। भाई कारगिल फूड्स पागल नहीं है जो उसने पारख फूड्स को खरीदा। कारगिल फूड्स ने देखा कि भाई पारख फूड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, उनकी सप्लाई बहुत जगह जाती है, उनका माल बहुत जगह बिकता है। मैं तुमको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, माल धंधा ऐसा तुम समझा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए। पर एग्जाम में नहीं लिखना, धंधा वर्ड नहीं लिखना, माल वर्ड नहीं लिखना हमको, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो कारगिल फूड्स को पता चला यार इनका माल की क्वालिटी अच्छी है, माल का इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इनका चैनल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया। अब पारख फूड्स के पास में देयर वर 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल इज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। मतलब जो पारख फूड्स के एसेट्स थे, उसकी जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितने भी लैंड था, जितनी भी मशीनरीज थी, वो सब अब कारगिल फूड्स की हो चुकी है। ठीक है, तो कारगिल फूड क्या करता है, उसको बड़ी स्केल में मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ठीक है, वेरियस ब्रांड ये देख लिया हमने। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। 50 लाख तेल के पाउच हर रोज बना सकती है ये कारगिल कंपनी। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हुआ, पारख फूड्स की मदद से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पारख का नुकसान हुआ, पारख का भी फायदा ही हुआ क्योंकि उसने जब कारगिल ने पारख को खरीदा तब बहुत ज्यादा कॉस्ट पर खरीदा होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत सही चीज है। देयर इज अनदर वे इन व्हिच एमएनसी कैन कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप करती है, जैसे यूएस के अंदर हो गई, अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, तो वो क्या करती है कि वो ऑर्डर देती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अलग अलग कंट्रीज में। गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि यूएस के अंदर बैठी हुई एक बड़ी कंपनी क्या करेगी कि अपना जो ऑर्डर है वो अलग अलग कंट्रीज में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देगी। ठीक है, फिर ये जो प्रोडक्ट्स जब बन के वापस से एमएनसी के पास आएंगे तो एमएनसी अपने ब्रांड का थप्पा लगा के उनको कस्टमर्स तक बेच सकती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बिकते हैं जो तुम चाइनीज टॉयज वगैरह देखते हो मैक्सिमम, बहुत सारे, जैसे अमेजॉन के ऊपर भी तुम बहुत सारी चीज देखते हो, तो तुमको दिखेगा कि यार एक सेम चीज 200 रुपए की, पर वही चीज एक 800 रुपए की, 800 रुपए वाली चीज और 200 रुपए चीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसमें बस एक ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वो जो डब्बा है जिसके अंदर तुमको भेज रहे हो, डब्बे की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कस्टमर केयर बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ी वारंटी वगैरह बढ़ जाएगी। पर 200 वाला प्रोडक्ट भी वही है, 800 वाला भी वही है। तो ये जो चीज होती है ब्रांडिंग का होता है खेल। ठीक है, ये सिर्फ खेल किसका होता है, ब्रांडिंग का। अब ऐसे तुम जूता खरीदो तो एडिडास का खरीद लो, रिबॉक का खरीद लो, तो ये तुमको 3-4 हज़ार तक पड़ जाएगा। अगर तुम लोकल जूता खरीदने जा रहे हो मार्केट, अब अलग अलग टाइप्स के ब्रांड होगी, जैसे स्पार्क्स हो गया, तो स्पार्क्स एक ऐसी ब्रांड है जो कि 1,000-1,500 तक जूते बेचती है। बाटा ऐसे होगी जो 1,000-1,500-2,000 तक बेचती है। फिर एडिडास, रिबॉक, ये सब आता है जिनके थोड़े लग्जरी शूज आते हैं 4-5 हज़ार के। फिर स्केचर्स हो गया जो और महंगे हैं। फिर हमारे पास में और ऐसे लुई वुइटन हो गया। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास में स्टीव मैडन हो गया, तो 30-40 हज़ार का जूता बनता है, लाखों रुपए के जूता आता है। तो बेसिकली वो 1 लाख के जूते में कोई हीरे मोती जड़े हुए नहीं है। ठीक है, वो भी ड्यूरेबल है और बाकी हमारा 2-3 हज़ार का जूता भी ड्यूरेबल ही होता है, ऐसा नहीं कि फट जाएगा। पर वो 30-40 हज़ार के जूते में और इसमें फर्क होता है कि उनकी ब्रांडिंग होती है, उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, वो स्टेटस होता है। ठीक है, अब जैसे आईफोन की बात करूं, मैं ऑनेस्टली आईफोन यूज कर रहा हूं, पर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आईफोन के पहले एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा था 10-15 हज़ार का। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, डेफिनेटली आईफोन कई टर्म्स में बेटर है मेरे एंड्रॉइड फोन से, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा बेटर है। पर आईफोन लोग क्यों लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, ब्रांड वैल्यू के लिए लेते हैं। ठीक है, उसका स्टेटस सिंबल अच्छा होता है, भाई दिखता है कि आईफोन है, वो देख ले, हम किसी को देख लेते हैं आईफोन है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा आईफोन है इसके पास में। ठीक है, तो ये चीज है। चलो मैं तुमको थोड़ी इधर उधर का ज्ञान भी बांट रहा हूँ, पर ये मेरी थोड़ी आदत है, मैं इधर उधर चले थोड़ा सा फिसल जाता हूँ, पर कोई बात नहीं। ठीक है, चलो दीज लार्ज एमएनसीज हैव, अच्छा हाँ, तो ये तो खैर अलग चीज थी, मैंने तुमको अलग चीज बताई, कंफ्यूज मत करना दोनों को। हाँ, ये अलग चीज हो गई, ये ब्रांडिंग वाली सब अलग चीज हो गई, पर ये तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं तुमको जनरल नॉलेज भी देते जा रहा हूँ। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस। मतलब कि ये एमएनसीज इतनी बड़ी है कि इनका इसमें बहुत पावर होती है, ये खुद अपनी मनमर्जी से प्राइस वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिटी डिसाइड कर सकते हो, तो खुद ऑर्डर देते हैं उस हिसाब से कि मुझे तो इसी प्राइस पे चाहिए। अब भाई इतनी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करने का मौका मिलना तो कौन नहीं करेगा, तो थोड़ा कम पर भी काम करना पड़े तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 10 वी सी दैट देयर आर वैरायटी ऑफ वेज इन which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. ठीक है, तो दो तीन तरीके हमने देख लिया, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बाय सेटिंग आउट पार्टनरशिप्स, बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, और बाय कंपीटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप. या तो कंपीट करके उनको खरीद लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था. ठीक है, तो वो चीज़ है. MNCs are exerting a strong influence on production at distant locations. As a result, production in these अच्छा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि MNC अपने प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्रीज में कर रही है, तो इससे एक एडवांटेज ये भी हो रहा है कि जो अलग अलग कंट्रीज में एक दूसरे से लिंक भी हो रही है. ठीक है, मतलब मान लो कि एप्पल का रिसर्च यूएसए में हो रही है, प्रोडक्शन वियतनाम में हो रहा है और असेंबली इंडिया में हो रही है. तो एक तरीके से हमने यूएस, वियतनाम और इंडिया, इन तीनों को लिंक कर दिया. मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखते भाई फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड जो है, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग. तो मतलब ट्रेड से ही ज्यादातर कंट्रीज कनेक्टेड थी. हम पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल इंसान के लिए दूसरी कंट्री जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट वहां से सामान आना ईजी होता था. तो एक तरीके से जो हमारा लिंक हुआ अलग अलग कंट्रीज से, वो ट्रेड के कारण ही हुआ. इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया टू साउथ एशिया. तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडिया से साउथ एशिया या ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी जो लोकेशन है ये इंटरलिंक्ड थी. ठीक है, तो ट्रेड के कारण इंटरलिंकिंग बहुत है. व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, फॉरेन ट्रेड कोई भी कंपनी क्यों करना चाहती है, क्यों चाहूं मैं कि मैं अपनी बाहर की कंट्री में जाऊं जब मेरा यहां पर धंधा अच्छा चल रहा है. तो मैं इसलिए करूंगा, सबसे पहला रीजन तो ये ताकि मैं डोमेस्टिक मार्केट्स के बियॉन्ड जा पाऊं. मतलब जो इंडिया के इंडिया में मेरा मार्केट है उसके बाहर भी देख पाऊं कि भाई क्या चल रहा है. भाई बहुत सारी कंट्रीज, सैमसंग, शॉमी, एप्पल, ये सब इंडिया के अंदर इतना एक्टिवली क्यों आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर मार्केट बहुत बड़ा है. ठीक है, अगर वो अपनी कंट्री में रह जाता तो फिर वो छोटी सी कंपनी रहता. जो बड़ी कंपनी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज को समझा और अलग अलग कंट्रीज में घुसे काम करने के लिए. ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर्स कैन. अब जैसे जो प्रोड्यूसर्स है, अब फॉरेन ट्रेड का, चलो ये तो एमएनसी का बता दिया मैंने. एक नॉर्मल फॉरेन ट्रेड का एक और क्या एग्जांपल है कि प्रोड्यूसर जो है, जैसे जो नॉर्मल प्रोड्यूसर है वो अपने गुड्स को सिर्फ अपनी कंट्रीज में बेचने के बजाय बाहर बेच सकते हैं. जैसे चाइना के अंदर मान लो कि जो छोटे छोटे टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो चाइना में भले उनके इतने नहीं बिकते थे पर इंडिया में बहुत बिक रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली फॉर बायर्स. अब बायर्स के लिए एक बहुत एडवांटेज है. बायर्स के लिए एडवांटेज इसलिए है क्योंकि आज हमारे लिए बड़ी बड़ी ब्रांड्स बहुत एक्सेसिबल हो गई है. भाई एडिडास, रीबॉक, नाइकी, एप्पल, सैमसंग, शाओमी, अब ये सब कंपनी सारी बाहर की है. पर इससे क्या है कि हम बहुत इजीली ले पाते. मतलब आज अगर तुम इंडिया के किसी मॉल में जाओ और यहाँ से निकल के किसी फॉरेन के मॉल में जाओ, यूएस के किसी मॉल में जाओ या दुबई के किसी मॉल में जाओ, तो तुमको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि यार ब्रांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. मतलब वहाँ जो ब्रांड है वो इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हैं, तो तुमको पूरी फॉरेन फील आती है. तो तुम समझ पा रहे हो इतनी खतरनाक चीज़ है कि यूएस में बैठी हुई कंपनी आज यहाँ पे एक छोटे से शहर के छोटे से मॉल के अंदर अपना छोटा सा स्टोर चला रही है. तो ये कितनी खतरनाक इंटरकनेक्शन हुआ होगा. तो आज जब तुम इंडिया के किसी मॉल में जाते हो तुमको बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखने को मिलती हैं. तो वही चीज़ समझ में आ रही है ना तुमको कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड, इसके कारण कितना सारा लिंक हो चुका है हमारा. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. अब जैसे आज हमारे लिए मैकडोनल्ड में खाना खाना बहुत ईजी है, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल, मैकडोनल्ड का बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा, पर ये सारी चीजें पहले नहीं थी हमारे हाथ में. आज हम KFC खा सकते हैं. ये सब पहले चीजें हमारे लिए इतनी एक्सेसिबल नहीं हुआ करती थी. ठीक है, चलो तो इससे बायर्स का क्या एडवांटेज हो कि हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारा है. भाई पहले जब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंपनीज थी जो फोन सेल कर रही थी, तो तुम देखो कितना कॉम्पिटिशन था. हमारे पास में 2-3 कंपनीज थी, सोनी थी, नोकिया थी, सैमसंग थी. पर जब से शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ठीक है, ये सारी बाहर की कंपनीज आई तो कंपटीशन बढ़ा. तो इसके कारण हमारे पास में एज कंज्यूमर्स बहुत सारे ऑप्शंस हो गए. पहले हमारे पास में बस 2-3 ऑप्शन थे फोन लेने के लिए, आज हम 20-30 ऑप्शन से हर प्राइस रेंज में. ठीक है, सिमिलरली कार्स, तो पहले हमारे पास में सिर्फ इंडिया की जो कुछ कंपनीज थी वही कार्स भी थी, आज हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आ गई. ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए बायर्स के लिए एडवांटेज है. अब देखते हैं चाइनीज टॉयज इंडिया. तो चाइनीज टॉयज का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर. चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज मैन्युफैक्चरर लगा कि भाई इंडिया के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है खिलौनों की, तो उन्होंने प्लास्टिक के टॉयज एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया. अब इंडिया के जो लोग हैं उनके पास में ऑप्शन है कि वो इंडियन टॉय भी ले सकते हैं, चाइनीज टॉय भी ले सकते हैं. पर चूंकि चाइनीज खिलौना सस्ता है रेट में और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और बच्चे को मजा भी आता था खेलने में, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम चाइनीज खिलौना ले लें. ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडियन टॉयज 70-80% रिप्लेस हो गए चाइनीज टॉयज के साथ में. ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या हो कि टॉयज जो बहुत चीप हो गए, तो इसलिए जो इंडिया के अंदर टॉयज बना रहे थे, जो टॉयज मैन्युफैक्चर थे लोकल, उन्होंने भी अपनी प्राइस कम कर दी. तो एक तरीके से बायर के लिए तो बहुत एडवांटेज हो गया, पर इसके लिए एक बहुत डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जो ऑलरेडी जो छोटा मैन्युफैक्चर था जो कि टॉयज बना रहा था उसका धंधा तो खत्म ही हो गया, क्योंकि वो इतना सस्ते में तो बना नहीं सकता. क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चर जो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंट्री हो, फटाफट करके बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं. यहाँ पर हमको एक खिलौना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसके लिए यहां का जो मैन्युफैक्चरर है उसका तो धंधा खत्म हो गया ना, उसके पास तो सेल आती नहीं है क्योंकि सब लोग चाइनीज टॉयज खरीदते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें. अब आ जाओ हम देखते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हमने देखा इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, अलग अलग कंट्रीज के बीच का इंटरकनेक्शन जब तेज होता है उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब हम अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं कि ग्लोब ऐसा क्या हुआ जो ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया। कुछ तो फैक्टर्स होंगे, कुछ तो दो तीन मेजर, चलो छोटे मोटे कारण तो समझ में आता है, पर कुछ तो दो तीन ऐसे मेजर कारण होने चाहिए जिसके कारण हमको लगे कि हाँ भाई ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ। तो क्या क्या, सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो फॉरेन इंटरकनेक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब आज मैं एक क्लिक करके यूएस से कोई भी चीज मंगा सकता हूं। ठीक है, ये चीज पहले अवेलेबल नहीं थी। टेक्नोलॉजी के कारण हम आज इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज, इनके थ्रू डेटा भेज सकते हैं। मतलब आज अगर मुझे किसी भी को भी ऑर्डर देना है तो मैं यहां से ईमेल करके ऑर्डर कर सकता हूं फॉरेन कंट्री के अंदर भी। पहले मैं नहीं कर सकता था, पहले क्या मैं लेके ऑफिस को ढूंढता फिरता कि इसका ऑफिस कहां है, इसका ऑफिस कहां है। आज मुझे बस ईमेल करना है मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, मुझे बस एक कॉल करना है मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। सारा काम फोन पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम फोन पे होता है, दिन भर फोन बजता रहता है। ठीक है, मेरे साथ भी ये समस्या है। तो ये चीज आगे समझ में। सैटेलाइट्स टू लिंक कनेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सैटेलाइट्स के कारण क्या हुआ है कि हम अलग अलग कंट्री से हमारे कनेक्टेड हो गए। मतलब बहुत इजीली इंटरनेट के कारण तो भाई बहुत ही ज्यादा चीजें इजी हो गई हमारे लिए। ठीक है, दूसरा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन क्या होता है, देखो हम बोलते हैं ना कि इसकी फैमिली बहुत लिबरल है, इसकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। देखो यार लाइट चली गई, एसी बंद हो गया। ठीक है, एसी, अब जैसे एसी मेरे पास में, तो ये हिताची का, हिताची पता नहीं कहाँ की ब्रांड है, आई गेस तुम मुझे कमेंट्स बताओ तुमको पता चले तो। ठीक है, चलो लाइट चली गई तो एसी बंद हो गया, अब गर्मी बहुत तेज लग रही है तो पसीना टप 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 क्या, पर कोई बात नहीं। ठीक है चलो, लिबर हम बोलते हैं लिबरल फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली। तो लिबरल फैमिली हम उसको बोलते हैं जो कि ओपन माइंडेड होती है ना, जो कि चीजें एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई तू 10 बजे के बाद आए तो भी तेरी फैमिली में चलता है। तो वो क्या हो गया, लिबरल फैमिली हो गई। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, छूट देना। ठीक है, इसको आसान भाषा में बताऊं तो लिबरल फैमिली मतलब जो फैमिली छूट दे दे, जो फैमिली ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना रखे उसको हम क्या बोलते हैं, लिबरल। सिमिलरली लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब कि उसमें रेस्ट्रिक्शंस कम कर देना, रोक टोक कम कर देना, उसी को लिबरलाइजेशन बोलो। ओहो बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल बता दिया आज तो मैंने तुमको। चलो, ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट। देखो बेसिकली अब क्या हुआ, हम आजाद हुए, अब आजाद होने के बाद हमने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। ट्रेड बैरियर्स क्यों लगा दिए, क्योंकि देखो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया के अंदर तो वो आए तो ट्रेड करने ही थे, है ना, पर धीरे 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 उसके कारण क्या हुआ कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी हो गई उनके ऊपर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए, हमारा रोजगार डिपेंड हो गया। तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति फिर से आए, तो इसलिए हमने ट्रेड बैरियर लगा दिए थे कंट्री के अंदर आजाद होने का। ट्रेड बैरियर मतलब कि हमने जो ट्रेड था उसको काफी हद तक रेस्ट्रिक्टेड रखा। मतलब इंडिया एज अ कंट्री किसी फॉरेन कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ट्रेड इतना ईजिली नहीं कर सकता था। उसका कारण यही था कि हम फिर से कहीं गुलाम ना बन जाए। मतलब गुलाम एज इन, मतलब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए थी, है ना, उसका कोई मोटिव तो था नहीं कि इंडिया के ऊपर राज करेगी, पर धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी इतनी हो गई उनके ऊपर कि वो इतनी पावरफुल बन गई कि हमारे हाथ में कुछ पार बची नहीं। तो उस चीज को रोकने के लिए थोड़ी इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने फॉरेन का जो ट्रेड है उसको थोड़े काफी टाइम तक रोक के रखा। फिर अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। मतलब 1991 के आसपास हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब हमने ट्रेड रूट, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको थोड़े हटा दिए, मतलब बैरियर्स हमने हटा दिए, रेस्ट्रिक्शन थोड़े कम कर दिए। द गवर्नमेंट कैन यूज, अच्छा हाँ, अब जो ट्रेड बैरियर्स है वो फ्लेक्सिबल, मतलब गवर्नमेंट किसी जगह पे इंक्रीज कर सकते हैं बैरियर्स को। बैरियर मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब ऐसा समझो कि हर्डल्स। ठीक है, बैरियर को ऐसा समझो हर्डल्स। तो हमने अगर हर्डल्स बढ़ा दिए मतलब कि हमने ट्रेड करना डिफिकल्ट कर दिया, अगर हमने हर्डल्स कम कर दिए मतलब हमने ट्रेड करना ईजी कर दिया। ठीक है, तो हम ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हर्डल्स बढ़ा सकते हैं जब हमारी इच्छा हो या किसी पर्टिकुलर चीजों में, तो ताकि कंट्रोल रहे। मतलब गवर्नमेंट के पास में कंट्रोल, तो गवर्नमेंट जब चाहे तब जो ट्रेड बैरियर्स है उनको इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कौन से गुड्स कितनी क्वांटिटी में आने चाहिए ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है, टैक्स ऑन इंपोर्ट। अच्छा, तो ट्रेड बैरियर लगाते कैसे हम, क्या वहां पे मतलब मान लो कि कोई शिप आ रही है, एप्पल ने अपना कंसाइनमेंट हो जाए, मतलब एप्पल ने 1 लाख आईफोन भेज दिए, तो हम क्या वहां खड़े हो जाएंगे ऐसे हाथ पकड़ के हम आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ट्रेड बैरियर्स एक्चुअली लगते कैसे, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बैरियर है। ठीक है, हम अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली एक बैरियर आ गया, तो बाहर की कंट्री सोचेंगे, बाहर की कंपनी सोचेंगे कि यार यहाँ पर टैक्स तो बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मान लो किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कम है ट्रेड बैरियर या टैक्स कम है, तो हम दूसरी कंपनी सोचेगी कि यार यहाँ पर इस चीज के ऊपर टैक्स कम है तो हम यहाँ पर ये चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया कि ये बड़े बड़े जो कंपनीज होती है अपने जब भी फोन बनाती है तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्रीज में इसलिए बनाती है ताकि इनको वो चीज सस्ती पड़ जाए। जैसे मान लो कि एप्पल को लगा कि यार कैमरा तो वियतनाम में सस्ता बन रहा है तो हम कैमरा वियतनाम में बना लेते हैं, पर डिस्प्ले चाइना में सस्ता बन रहा है तो हम डिस्प्ले को चाइना बना लेते हैं, ठीक है। और इन सब की असेंबली अगर हम करें इंडिया के अंदर तो हमारे लिए फोन जो है वो और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिया के इंडिया में वहीं के वहीं बेच पाएंगे, तो हमको किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये ऐसे करके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। तो हम बैरियर्स अगर रिमूव करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। वही जो लिबरल फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली वाला सिस्टम जो मैंने तुमको बताया था। व्हेन द गवर्नमेंट इंपोजेस लेस रेस्ट्रिक्शंस देन बिफोर इट इज सेड टू बी मोर लिबरल, ठीक है। जब हमारे मम्मी ने बोल दिया कि एक काम का ठीक है तो 10 बजे आएगा तो भी चल जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वाह मम्मी तो लिबरल हो गए आज के लिए। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा सीरियसली मत लेना इस एग्जाम्पल को, बट कहने का मतलब ये है कि लिबरल होने का मतलब ओपन माइंडेड होना है, फिर लेस रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। WHO हो गई, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं WTO। ये जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होती है कि सारी कंट्रीज़ की जो हेल्थ है वो मतलब सारी कंट्रीज़ को एक तरीके से कनेक्ट करके सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके चलाती है। सिमिलरली WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी करना चाहती है। एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को लिंक करना चाहती है। इसके अंडर करीब करीब 164 कंट्रीज है जो कि WTO की मेंबर्स हैं, मतलब 164 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द WTO। इट्स मेन एम इज मेकिंग रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। तो इसका काम क्या है, मेन इसका एम तो ये हो गया लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका काम क्या है, ये रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ताकि सब जगह यूनिफॉर्म रूल्स रहें। ऐसा नहीं कि इंडिया और यूएस के लिए अलग रूल्स है, फिर इंडिया और चाइना के लिए अलग रूल्स है, इंडिया और यूरोप के लिए अलग रूल्स है, या यूरोप की किसी कंट्री के लिए अलग रूल्स है, UAE के लिए अलग रूल्स है। ऐसा नहीं, जो रूल्स है वो ओवरऑल बनाती है और चेक करते हैं कि ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, WTO ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा बना दी, ठीक है, चलो इससे फॉरेन जो पूरा का पूरा मतलब ग्लोबलाइजेशन है, जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सारा मॉनिटर रहेगा, पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई जहाँ पावर होती है, जहाँ पैसा होता है, वहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो WTO के साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। भले WTO का जो मेन रोल है वो ये है कि फ्री ट्रेड मतलब सभी लोगों के लिए इक्वल लॉज हो, पर फिर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसको डोमिनेट करती है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, US इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो गई, वो WTO के लिए अपने हिसाब से रूल्स थोड़े से ऊपर नीचे करवा लेती है, ठीक है। जैसे जो पावरफुल लोग होते हैं वो कैसा फ़ोन लगातार बोलते हैं कि यार हमारे लिए रोड खोल दो यार, तो हम खोल देते रोड, ठीक है। पर जो कम पावरफुल होता है उनको बोलते हैं कि चल भाग यहाँ से, तेरे लिए रोड नहीं खोलेंगे। तो वैसे WTO के साथ में भी हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनकी बातें ज़्यादा मानी गई, ठीक है, और जो दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको फोर्स किया गया कि ट्रेड बैरियर्स हटा दो। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको तो WTO ने परमिशन दे दी कि ठीक है तुम ट्रेड बैरियर्स रखो, इसका मतलब कि बाहर की कंट्रीज को अपने अंदर धंधा मत करने दो। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो छोटी कंट्रीज थी जो कि डेवलप हो रही थी, उनको बोला कि नहीं तुम ट्रेड बैरियर्स हटा दो, मतलब कि बाहर की कंट्रीज, बाहर की कंपनीज को अपने अंदर आने दो। तो ये तो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज की सिक्योरिटी होगी कि बाहर की कंपनीज यहाँ पर आ नहीं रही है, पर हम तो अपनी कंपनी को बाहर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी WTO के साथ में हुई। अब देखो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया ये देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स के लिए तो भाई ये पूरा रीड कर लेना, पर तुमको पूरा का पूरा समझा ही चुका हूँ कि कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज हमारे पास में एक्सेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आज तुम इंटरनेशनल किसी ब्रांड का जूता पहन सकते हो अपने नज़दीकी स्टोर जाके। मतलब आज लेट से अगर तुम वॉच पहन रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कंपनी, मान लो तुम जो लैपटॉप ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है, HP, या फिर चलो HP का फुल फॉर्म हैवलेट पैकार्ड है, तो कंपनी बाहर की है पर तुम कितनी इजीली यूज़ कर पा रहे हो ना उसको। अगर तुम फोन यूज़ कर रहे हो Xiaomi का, तो Xiaomi वाली कंपनी बाहर की है पर तुम उसको यूज़ कर पा रहे हो। एप्पल का फोन यूज़ करो तो भली कंपनी बाहर की पर तुम उसको ईजिली यूज़ कर पा रहे हो, मतलब तुमको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो इसके लिए तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे पास में चॉइसेस बहुत सारे हो गए। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारे पास में चूंकि कॉम्पिटिशन बढ़ा तो प्राइसेस कम हो गए। जब जब कॉम्पिटिशन बढ़ता तो सब लोग चाहते कि उनका माल ज़्यादा बिके तो प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जब जियो आया तो जियो के पहले हम मतलब लिटरली 1-2 GB डेटा के लिए हम महीने का 300-400 रुपए देते थे। आज हमको रोज 2 GB डेटा मिल जाता है 3 महीने के, लो भी 600 रुपए में, 500 रुपए में, 400 रुपए में। मतलब जियो ने ऐसा किया तो बाकी कंपनीज को भी करना ही पड़ा, क्योंकि अगर जियो ऐसा कर रहा है तो बाकी कंपनीज को अगर सर्वाइव करना है तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सब ने अपनी प्राइसेस कम कर ली, ठीक है। तो ये इसका फायदा हो, ये एक तरीके से कॉम्पिटिशन का फायदा हो। तो जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है उतना मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। प्रोड्यूसर, फॉर जो प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए भी एक अच्छा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, है ना। मतलब पहले अगर मान लो कि आज सैमसंग के इतना सारा ऑफिस इंडिया के अंदर, आज अगर वो नहीं होते, या आज Xiaomi की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली इंडिया के अंदर नहीं होती, तो वो जो असेंबली के अंदर काम करने वाले जो जितने भी लोग हैं, जितना भी स्टाफ है 500, 1000, 2000 लोगों का, वो सब तो कहीं और या तो ढूंढ रहे होते नौकरी या फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं, पर उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज है। राइज टू बिग एमएनसी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको बहुत राइज मिला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन मेथड्स आर विद इन आर ग्रैब। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बाहर के, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग बाहर इंट्रोड्यूस होती है, पर आज वो हमारे भी यूज में है, ठीक है, या हमने जो पहले इन्वेंट किया वो बाहर के भी यूज में आ गए। तो ये चीज़ें हमको यूज में आ रही, मतलब हमारे हाथों में आ रही है, ठीक है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको भी बहुत हेल्प किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की एप्पल सैमसंग यही बड़ा है, इंडिया की भी कंपनीज बड़ी। भाई जब बाहर की कंपनीज इंडिया आई तो इंडिया की कंपनीज भी तो हार गई, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनीज आज मार्केट में बहुत बड़ी हैं इंटरनेशनली भी, ठीक है। टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल्स, तो टाटा मोटर्स तुम क्या समझ रहे हो, जो जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, सब टाटा ग्रुप के अंडर ही आता है। तो टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। चलो, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा, रैनबैक्सी, ये सब जो है इनके जो ऑपरेशन है सब वर्ल्ड वाइड फैले, ठीक है। अब इनके कारण भी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला दूसरी कंट्रीज के, ठीक है। देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड वर्कर्स बट अनस्किल्ड वर्कर्स रिमेन पुअर, ठीक है। तो जो स्किल्ड वाले लोग जिनके उसमें स्किल होते हैं, हमको क्यों बोलते हैं बेटा पढ़ लिख लो, ठीक है, हमको इसलिए बोलते ताकि हमारे पास में स्किल हो, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर की कोई ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। जो स्किल्ड लेबर से जिनको काम करना था, जिनका काम अच्छा, जो कम टाइम में ज्यादा लोगों का काम कर सकते हैं, उनको कंपनीज प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर तो यार बहुत नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि आज जो यहाँ पर लोकल मान लो मोची जूता बना रहा था, तो वो बहुत मेहनत से जूता बनाता है और उसकी जो कॉस्ट है जूते की वो करीब मान लो लेट से 2000 रुपये जा रही है। तो हम क्या करते थे, पहले हमारे पास में ऑप्शन नहीं होता तो हमको उस मोची से ही लेना पड़ता था, पर आज क्या है कि 2000 रुपये में तो तुमको लगेगा अगर इससे अच्छा तो मैं एडिडास का जूता पहन लूँ, ठीक है। लोकल जूता खरीदने से अच्छा तो मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड का जूता खरीदू ना, वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होगी। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड के जूते खरीद लेते हैं, या जूता का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि वो अच्छा समझ में आता है। तो उस जो प्रोड्यूसर था, जो मोची था, जो जूते बना रहा था, उसका तो धंधा खत्म ही हो गया, है ना। तो ये चीज है। बैटरी कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, इन सब का जो मार्केट था, इन सब के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको तो बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। अब फॉर वर्कर्स, तो वर्कर्स के लिए देखते तो वर्कर्स के लिए कहीं फायदा हुआ कहीं नुकसान हुआ। देखो, जो अच्छी जॉब पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, जिनके पास में स्किल अच्छी है, उनके लिए तो बहुत एडवांटेज है, पर जो अनस्किल्ड लेबर्स हो गए या जो ऐसे छोटे मोटे वर्कर्स हो गए उनके लिए कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कंपनीज इतनी बड़ी हो, जब चाहे तब तुमको निकाल सकते हो और दूसरे को उठा लेंगे। भाई तुमने जहां ढंग से काम नहीं किया तुमको निकाल के दूसरे को ले आएंगे, उसको क्या करना। पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पूरा लाइवलीहुड, तुम्हारे परिवार का पूरा रोजी रोटी उस कंपनी के ऊपर टिकी हुई है, तो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी कम। दूसरा, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब काम करने के आवर्स ज्यादा होते हैं, कई बार तुमको ओवर टाइम भी कर लेते हैं, पर तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के अलावा तुमको पता नहीं कि तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि भाई पढ़ लिख लो, अच्छी डिग्री ले लो, ताकि तुमको अगर किसी कंपनी से निकाल दे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन हो। वरना जनरली जैसे इन वर्कर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इनके लिए क्या है कि अगर कहीं से निकाल दे तो उनको पता ही नहीं कि उनको कोई और नौकरी देगा कि भी नहीं देगा, क्योंकि उनके उसको स्किल तो है नहीं, ठीक है। लो वेजेस, इनके वेजेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और चूंकि कोई ऑप्शन होता नहीं तो लोग कम सैलरी में भी काम करने के लिए मान जाते हैं। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये देखते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर से हमको पता चला, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हमको पता चला कि ग्लोबलाइजेशन से सबको फायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो देखो, जिनके पास में एजुकेशन अच्छा है, स्किल अच्छी है, पैसे हैं जिनके पास में, उन वो तो बहुत अच्छा एडवांटेज से ले लेंगे, पर जिनके पास में ये सारी चीज़ें नहीं है उनको इसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिसके अंदर सबके लिए इक्वल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नमेंट के क्या क्या रोल से वो देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है ताकि ग्लोबलाइजेशन एक फेयर तरीके से हो पाता, कि सब लोगों को ग्लोबलाइजेशन का फायदा हो। तो सबसे पहले तो लेबर लॉज का चेक कर सकते हैं कि लेबर लॉज आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। दूसरा ये है कि वो सपोर्ट, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करें कि ताकि वो बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर पाएं, ठीक है। फिर बड़ी कंपनीज ऐसा कर सकते हैं, इट कैन नेगोशिएट विद WTO, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की बात सुनती है WTO, तो डेवलपिंग कंट्रीज अपने 4-5 कंट्रीज का एक ग्रुप बना के उनसे नेगोशिएट कर सकती है, उनसे थोड़ा भाव मोल कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें चेंज करो, ये रूल्स बनाओ, ये रूल्स हटाओ, ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। अब इसमें रोल ऑफ पीपल क्या, तो भाई रोल ऑफ पीपल बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब तुम देखोगे कि अभी जब दो साल पहले जब नया नया कोविड आया था, तब लोगों के अंदर बहुत ही एंटी चाइना सेंटिमेंट जाग गया था, तो उसका कारण लोगों ने बहुत सारे चाइनीज गुड्स को अवॉइड करना चालू करा। बहुत सारे लोगों ने स्वदेशी एक्सेप्ट किया कि यार हम इंडिया की ब्रांड को सपोर्ट करेंगे। भले ही देखो क्या होता है ना, कि इसमें जनरली होता ऐसा है कि ब्रांडिंग करना, बोलना एक अलग बात है, पर बैकएंड में चीज़ें क्या हो रही है वो हमको नहीं पता होती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज जो स्वदेशी अपने आप को बता रही थी, उनमें खुद में बहुत सारा पैसा बाहर की कंपनीज का लगा हुआ होता है, तो ये चीज़ें होती है, पर कंपनीज को इस चीज़ से ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस ये है कि उनका धंधा चलना चाहिए, जो कि सही बात है, ठीक है। उनका धंधा चल रहा है तो उनको क्या करना, फिर वो कैसे भी बेच दें, ठीक है। उनका धंधा ऐसा नहीं चल रहा था तो उन्होंने अपने आप को स्वदेशी बता के बेच दिया, तुमने तो खरीद लेना, उनका तो फायदा हो गया, उनको तो एक टैग लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें थी। हालांकि ये मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, पर हाँ रोल ऑफ पीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब लोग उतर आते हैं ना तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अच्छा एक चीज और है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो तुमको फटाफट बता देता हूं। देखो एसईजी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है मैंने अभी देखा था, मैंने सोचा कि ये तुमको बता देता हूं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जैसे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे जगहों पर ये कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्पेशली बनाती है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, जहां पर तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा हो, जहां पर टैक्सेस कम लगे, जहां पर रोडवेज अच्छे हो, जहां पर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, जहां पर पानी वगैरह की सारी व्यवस्था उपलब्ध हो। तो गवर्नमेंट खुद छोटी छोटी जगहों पर ऐसे जोन्स बनाती है ताकि इंडस्ट्रीज आके वहां पर इजीली सेटअप हो पाए। ठीक है, तो इससे फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। दूसरी चीज जो उस गांव के या फिर जो उसके आसपास के लोकल लोग थे उनको भी नौकरी मिल जाती है। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, जहां पर वो एक प्रॉपर जोन बनाता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज होता है कुछ कुछ सिटीज के अंदर, तो वो चीज होती है। तो दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर। अभी तक अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट फटाफट हिट कर पाए। तो दैट बीइंग सेड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @कौन पढ़ले डॉट इन को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि हम मीम्स वगैरह शेयर करने लग गए आजकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।